तो गाइस जीपे का क्यूआर कोड आया है, बिजनेस जीपे बिजनेस का। गाइस सुहानी कुछ गिफ्ट लेके आई थी लेकिन मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया था। अरे वाह, ये देखिए गाइस ताइवान से आया हुआ ये फैन है। तो गाइस पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं, ये लोगों को देख सकते हैं, पुलिस आ गई है पेट्रोल पंप पे। और बहुत ज्यादा भीड़ थी जब मैं यहाँ पे आया था, अब नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस न्यू ब्लॉग को। और आज जैसे कि आप जानते हैं सेकंड डे ऑफ न्यू ईयर है, तो एंजॉय करते हैं आज के डे को। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, गर्मा गर्म पूड़ियों का, बहुत ठंड है और चाय बन रही है तो पूड़ियाँ खाएंगे अभी। ब्रेड मलाई। अच्छा यशु, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? कर लिया? गाना गा रहे थे। अरे इनका होमवर्क हो गया? तो गाइस हाँ, मजा आ जाता है ब्रेड पे मलाई लगने के बाद। वाह, ब्रेड बटर से ज्यादा अच्छी लगती है ब्रेड मलाई। तो गाइस गर्म गर्म पूड़ियों का और चाय का नाश्ता करते हैं। तो गाइस जीपे का क्यूआर कोड आया है, बिजनेस जीपे बिजनेस का, जो कि हमने अप्लाई करा था, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको, करिए सर अनबॉक्सिंग। ये कौन देने आया था? कुरियर वाला आया था। अच्छा, मतलब कुरियर से ऑनलाइन ऑर्डर का और कोई पैसा नहीं गया ना इसका? पैसा नहीं, डिलीवरी वाले आए। हाँ, मतलब जैसे कि अगर बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होता है जो कि सारे क्यूआर कोड पे स्कैन नहीं हो पाता है, तो आप जीपे बिजनेस का क्यूआर कोड मंगाइए। इस पे सारे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कोई भी स्कैन अगर आपको करना है तो इस पे इजीली हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट भी भेजिए गूगल ने। हाँ, गूगल पे ने, जीपे ने एडवर्टाइजमेंट भेजिए। मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए, जैसे कि आपकी शॉप है, कोई भी कार्ड हो ये सब एक्सेप्टेड होगा। अरे इनसे ही लेते हैं। तो गाइस ये जीपे के क्यूआर कोड है हमारे, इनके और अदर जीपे के कोड्स हैं। तो गाइस अगर आपको जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना होता है या डेबिट कार्ड का पेमेंट करना, अरे वाह कितना नन्ना सा ये क्यूआर कोड भेजा है उन्होंने। अरे इसे एक धागे से लटका देना है ऐसे करके, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब ये जीपे का बहुत नन्ना सा, दिखाना मुझे जरा हाथ में। यूपीआई आईडी भी आ रही है इस पे, सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है। और ऊपर लिखा हुआ है एक्सिट ट्रेडर्स। हाँ, बहुत ही बढ़िया जीपे ने ये नन्ना सा बना के भेजा। इसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा साइज होगा आई थिंक। इसका साइज ये 3 इंच का लग रहा है मुझे। हाँ, 3 लंबाई में 3 इंच का ये केवल इंच। और आप लोगों को जिसे भी ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसे भेजने हो वो भी स्कैन कर सकता है। गाइस ये क्यूआर कोड है और क्यूआर के ये भी निकले हैं। हां गाइस, ये एडवर्टाइजमेंट निकले हैं, ये 2 निकले हैं। वैसे जीपे का ये मिला है हमें। और ये क्या चीज है? स्टैंड है इसका। अच्छा, ये छोटे वाले का होगा, देखो ना इसका, ये निकला है, ये बड़े वाले का स्टैंड। मेन ये निकला है इसका, मेन एक्सिट ट्रेडर का जीपे का। इसके नाम भी लिखा हुआ है, इनकी यूपीआई आईडी भी लिखी हुई आ रही है। ये बहुत अच्छा करती है, कितना बढ़िया है, ये सब प्रिंटेड आ रहा है। मतलब गूगल पे जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इनके गूगल पे के बॉक्सेस तो नहीं आए हैं, लेकिन आप अगर इनका जीपे बिजनेस अगर ऐप डाउनलोड करेंगे और उससे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो बिना कॉस्ट के आपके पास ये क्यूआर कोड आएगा। कोई कॉस्ट नहीं गई इसकी। हाँ, और हर स्कैन इस पे वर्क करेगा। मतलब आप क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें या किसी भी पेमेंट से करें, क्योंकि जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, गाइस हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है उस पर सारे कोड्स वर्क नहीं करते, मतलब सारे क्यूआर कोड स्कैन नहीं होते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन आप इस क्यूआर कोड को अगर बिजनेस ऐप से मंगाएंगे, जीपे की बिजनेस ऐप से मंगाएंगे, तो ये हर जगह स्कैन होगा और हर कोई स्कैन करके इस पर पेमेंट कर सकता है। तो आप इसको ऑर्डर करें, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो गाइस आज सुना जा रहा है कि पेट्रोल की बहुत किल्लत है और आज हम पढ़ाने आए हुए राजेंद्र नगर में कोचिंग में। हम देखते हैं पेट्रोल पंप पे चल के कि पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सुना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइन लगी है पेट्रोल पंप। और मैंने अभी मैं एक बीच पेट्रोल पंप पे रुका भी था तो मैंने देखा था बहुत ज़्यादा लाइन है और लोग ऐसे पेट्रोल के लिए मतलब लगे हुए हैं जैसे कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। तो चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल पड़वाना है और गाड़ी गाइस लगी है रिजर्व पे। चलते हैं, पहुँच के अभी दिखाते हैं पहुंच के आप लोगों को कि कैसा मतलब भीड़ लगी हुई है, कैसी लाइन लगी हुई है वहां पर, क्योंकि अभी जब पिछले पेट्रोल पंप से निकले थे तो बीपीसीएल पे तो बहुत लाइन लगी हुई थी। चलते हैं गाइस पेट्रोल पंप पे। पोथी राम जय काली माता। तो गाइस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आए हैं जैसे कि, तो देखते हैं यहाँ पे चल के। तो गाइस देखिए यहाँ पे पेट्रोल नहीं डाला है, कोई नहीं खड़ा हुआ है। गाइस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे आए हैं और यहाँ पे पेट्रोल डाल ही नहीं रहे हैं। तो गाइस सारी मशीनें बंद कर रखी हैं और पेट्रोल नहीं डालना है ऐसा बोल रहे हैं लोग यहाँ पर। गाइस पेट्रोल नहीं डालना है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल पर भी पेट्रोल नहीं डालना है, सारे स्टेशन खाली कर दिए हैं लोगों ने। तो गाइस पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं, ओहो पेट्रोल पंप पे भीड़ लगना बंद हो गई, अब यहाँ पे भीड़ भी नहीं लगा रहे हैं। तो गाइस पेट्रोल पंप के बाहर कर दिया लोगों को, देख सकते हैं पुलिस आ गई है पेट्रोल पंप पे और भीड़ अभी लगी थी और अब भीड़ नहीं लग रही है। अभी मैं देखे गया था तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी,
देख सकते हैं आप, पेट्रोल भी नहीं पड़वाने थे ना, पुलिस आ चुकी है। पुलिस वाले की पेट्रोल है, पुलिस वाले की पेट्रोल, कोई इंसिडेंट ना हो जाए इसलिए पुलिस ने आई थिंक पेट्रोल पड़वाना बंद कर दिया। तो देख सकते हैं आप, हाँ पेट्रोल के लिए, पेट्रोल के नाम से गवर्नमेंट। तो गाइस देख सकते हैं BPCL का पेट्रोल, भारत पेट्रोल की पंप है, और पुलिस आ चुकी है यहाँ पे। और अभी बहुत ज्यादा भीड़ थी जब मैं यहाँ पे आया था, अब नहीं है। तो गाइस पेट्रोल की तो ऐसी अफवाह उड़ी हुई है, अभी मैं इस पेट्रोल पंप पे देख के गया था, इतनी भीड़ थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। तो लोग ज्यादा पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, और अभी हमारे जानने वाले हमसे पूछा था तो वो भी कह रहे थे कि हमने पूरी टंकी फुल करवा ली है। मतलब आप ये देखिए, ऐसी अफवाह है कि पेट्रोल फुल करा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। तो गाइस इन अफवाहों पर कम ध्यान दें और गवर्नमेंट के डिसीजन पर ज्यादा ध्यान दें, जो वो कहना चाह रही है उसको समझें, क्योंकि इन ऑल गवर्नमेंट को ही करना है सब चीज़ की अवेलेबिलिटी। तो गाइस सुहानी कुछ गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया था, तो अब मैं इसे अनरैप कर रहा हूँ देखने के लिए क्या उसने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था कल से। तो गाइस देख सकते हैं 2024 हैप्पी न्यू ईयर, जो कि सुहानी ने अपने हाथों से बनाया था और एक गिफ्ट किया था। और क्या था, मनु ने भी कुछ किया था पीछे, क्या पीछे भी कुछ बनाया? कुछ नहीं बना, वो पीछे सिर्फ बस ने डिजाइन मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कितना प्यारा उसने अपने हाथ से बना के दिया। तो अपने हाथ से बनाई की बात ही अलग, और कितना बढ़िया रैप कर रखा था। और ये मनु जो ताइवान गया था स्टूडेंट, देखो मनु भैया लेके आए थे। देखो 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 दिखा दिखा, हाँ बाहर निकल गए। तो ये कुछ फैन बता रहा था वो, और ये आई थिंक कितने 100 युआन का, न्यू ताइवानी डॉलर चलता है, तो 100 जो अपना है उतने का है वो। यक्षु आप इससे हवा करोगे? पहले चलने दो, खुलता कैसे ये? अरे वाह, ये देखिए गाइस ताइवान से आया हुआ ये फैन है, बहुत अच्छी, जो कि हमारा एक स्टूडेंट मतलब मनु जो गया था, जैसे कि आपने कल देखा था, तो ये लेके आया ताइवान से। वाह ये फैन, अरे वाह फैन है ये, देखो ये। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया फैन है, बोले दो बोले दो, ये गर्मी में हवा करने का काम आएगा। अभी दे रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, हवा करके देखोगे? हाँ। करके देखो, अरे ये लग गया इसमें। अच्छा ये रैप ऐसे था। हाँ। लो यक्षु भी हवा करके देख रहा है। हाँ। मतलब बहुत अच्छी डिजाइन दी हुई है इसमें। हाँ, तो मैंने सोचा जब इसे ओपन करूंगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो काफी अच्छा फैन है, मतलब बहुत अच्छे से पैक करा गया है और लगाया गया है इसे, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो मनु को लाए वो फैन, जो कि गर्मियों में काम आएगा, काफी अच्छा, हवा अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी, काफी अच्छी हवा आ रही है इसमें। हाँ